नमस्कार दोस्तों, एम स्कूल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं एम स्कूल। दोस्त, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए घंटी आया, वो घंटी दबा लीजिए। जब मैं नया वीडियो छोड़ूंगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, और दिल में कोई बात है ना, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज एक कमेंट कर देना। और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आपके फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आपके किसी भी के साथ आप शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो, तो आज हम इस तरह कैसे बनाते हैं देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से एक नारियल पत्ता ले लीजिए, देख सकते हैं आप, और इसका जो बीच में स्टिक है उसको निकाल दीजिए। दो नारियल पत्ता लेना है, ठीक है। इस तरह के दो नारियल पत्ता लीजिए, इसका जो बीच में स्टिक है इसको निकाल दीजिए। मैं निकल के रखा हूँ, देख सकते हैं आप, इस तरह से चार हो जाएगा। और चार का जो स्मूथ हिस्सा है सबको इस तरह से पकड़ना है एक साथ। अब मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो कैसे करना है आप जानते हैं। तो इस तरह से सबको एक साथ पकड़ना है और एक इस तरह से बुनना है, और ऊपर वाला जो पत्ता रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो इसको इस तरह से लेकर जाना है। और इतना तक दोनों को सेम रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ए वाला पत्ता को बड़ा रख सकते हैं। तो मैं दोनों को करीब सेम ही रखता हूँ। तो इस तरह से मोड़ देना है। अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं। अब इसको अपने तरफ घुमा लीजिए, और सबका जो बड़ा वाला हिस्सा वो ऊपर की तरफ रहेगा, छोटा वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो इस तरह से इसके अंदर ऐसे जाएगा, और ये इस तरह से जाएगा, और ये इस तरह से दोनों के बीच के अंदर। अब मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो जानते हैं क्या कर रहा हूँ मैं। इस तरह से इसके अंदर अब इस चारों को इस तरह से खींच लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से इसको अपने तरफ ले आइए, इसको इधर लेकर जाना है, ऊपर वाले पत्ते को इधर, और फिर इसके अंदर डालकर ये निकल आएगा, और इसको इस तरह से खींच लेना है। अब इसको उलट दीजिए इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से लगेगा। अब इस तरह से बहुत टाइट करके खींचिए। अब देखिए दाएं वाला हिस्सा, ये जो पत्ता है ये छोटा हो गया, ये वाला पत्ते को इसको क्या कीजिए, इसको पीछे की तरफ इस तरह से लेकर आना है, देख सकते हैं, और इसको इस तरह से उठाना है और इधर अंदर डालना है, बिल्कुल इस तरह से घुमाकर, और इसके इधर अंदर डालना है, देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल होगा, इस तरह से पीछे से घूमकर आकर इधर अगर इधर, और इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, देख सकते हैं आप। अब इसको घुमा दीजिए, अब इसका बारी है ये वाला पत्ते। अब एक चीज ध्यान में रखिए, आपका किसी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसको इसको भी वही चीज करना है, इसको इस तरह से पीछे लेकर जाना है, और इसको इस तरह से मोड़ना है, और इसके अंदर इस तरह से डालना है, और ये इस तरह से घूमकर आएगा, आप देख सकते हैं, और इसको खींच लेना है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब ये और इसको भी वही मेथड का यूज करके कर लीजिए। मैं कर लेता हूँ मैं इस तरह से। अब इसका वही है, पर की तरह लाना जरूरी है, करीब 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 इस तरह से आपका बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, ये वाले पत्ते को आपको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे चढ़ाना है, और इधर उंगली रखना है, और इसको इस तरह से पीछे लेकर आना है, और इसके नीचे डाल देना है, और इसको हटाएंगे तो ये निकल आएगा, और इसको खींचना है बिल्कुल हम जैसे कर रहे हैं इस तरह से ही करना है आप लोगों को, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, इसको हटाइए। अब इसका बारी है, इसको भी इसको इस तरह से
ऊपर चढ़ाया और इस इधर उंगली रखा और इसको पीछे की तरफ ले आया और इसको इस तरह से अंदर डाला, ये निकल आया इधर और इसको खींच लेना है। इसको घुमाइए, इसका भी वही है, वही सेम चीज का मेथड का यूज करके हम करेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा, देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। अब इसमें भी आप और भी कुछ कमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो मेरा जो पुराना मेथड है इस तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं और एक करना करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो पत्ता है इसको लेकर आप इधर उठाइए और ये जो बीच में छेद है इधर, ठीक है, देख सकते हैं इधर अंदर डाल देंगे और ये बीच में निकलेगा और इसको इस तरह से बना सकते हैं आप। और थोड़ा यूनिक दिखाने के लिए आप इसको इस तरह से बीच में अंदर छेद है इसमें डालकर इस तरह से घुमा दीजिए, इधर अंदर इस तरह से डालकर इस तरह से घुमाइए और इधर अंदर थोड़ा थोड़ा करके करिए अब चला जाएगा। और इधर अंदर इस तरह से डाल दिया और ये थोड़ा और भी कुछ यूनिक दिखाने के लिए, अब ये हो गया तो अब ये जो पत्ता है इसको, ये पत्ता को इसको कैंची की मदद से कट कर लीजिए। आप इतना तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज एक लाइक कर देना। अब जो मेरा पुराना वाला व्यूअर्स है उसको पता है, इसको इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से मोड़कर इसके अंदर इधर डाल लेंगे और खींच लेंगे। अब ये बना सकते हैं और नहीं बना सकते, आपका मर्जी है। आप इतना तक दो पत्ते को काट कर सकते पर मैं थोड़ा और भी थोड़ा लुक देने के लिए ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से देख सकते हैं। अब चारों को इसका भी वही मेथड का यूज करके मैं बनाऊंगा। कुछ इस तरह से घुमाइए, इसको हटाइए, इसका बारी है और इसको भी उसी तरह से। ये बन गया सर इतना, हाँ ये इसको हटाइए, इसका बढ़िए ये भी घुमाकर इधर अंदर डालना है और खींचना है और ये इस तरह से बनके तैयार हो जाए। अब और भी आप इधर एक बना सकते हैं, इधर एक बना सकते हैं, आप चाहिए तो बना सकते हैं। आप कैसे बनाना है मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और इधर आपको हो जाने के बाद कट कर देना है, इसे मैं और नहीं बनाऊंगा, मैं इसको कट कर लेता हूँ और ये इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। मैं और एक बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं इसको मैंने बनाया है। अब इसका जो इधर और इधर एक बनाया, इधर एक बनाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर एक छोटा सा, इधर एक छोटा सा, इधर एक छोटा सा, इधर एक और इधर भी छोटा छोटा करके कोने में। सर अब इसका वीडियो मेरा चैनल पे चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए एम स्कूल। ओके बाय बाय।